हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी मैं हूँ नारगढ़ आया हुआ हूँ। टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जयपुर के नारगढ़ पे। रेस्टोरेंट है रूफ टॉप, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू वगैरह आता है वहाँ से, तो वहाँ भी जा रहे हैं। उसका नाम है पड़ाऊ। तो ये रास्ता है नारगढ़ में जाने का, लेकिन मुझे नारगढ़ नहीं घूमना, मुझे जाना है पड़ाऊ। तो मैं सिर्फ पड़ाऊ की टिकट लूँगा और फिर अंदर जाके जो भी सीन रहता है वो देखेंगे, क्या इंक्लूड है टिकट में या कुछ नहीं है, सिर्फ एंटर की है। तो टिकट ले चुके हैं, 50 रुपये की टिकट थी, 2 टिकट ली 100 रुपये की। और ये रास्ता है पड़ाव जाने का भी, पैदल पैदल जाना है, थोड़ा सा दूर है अंदर, लेकिन यहाँ का रास्ता वगैरह अच्छा है तो शांति है काफ़ी, मतलब मज़े से घूमने फिरना हो जाएगा। और ये साइड है नारगढ़ की। अब मैं वापस से पीछे आया हूँ और गाड़ी लेने के लिए सोहिल को भेजा है, क्योंकि पड़ाव यार यहाँ से दूर है तो गाड़ी ले जा सकते हैं वहाँ अंदर। चले चल। थोड़ा आगे जाके आपको ऐसे ऐसे व्यू दिखाते हैं जयपुर के, जयपुर हाइट से कैसा दिखता है। गाइस पड़ाव तो देखो पहुंच गए, लेकिन एक टिकट हम वहाँ से लेके आए थे 100 की, 2%। अब पर पर्सन 100 यहाँ आके फिर दोबारा लेनी पड़ी। ये देखो 200 की टिकट, फिर मतलब 300 रुपये चले गए। ये मुझे पता ही नहीं था यार, मतलब इतने पैसे लगने लगे यहाँ, पहले कभी नहीं था। पहले सिर्फ 50 लगते तो आ जाओ। अब सीन ये है, बस इस 200 में ना एक कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक एक चीज़ ले सकते हैं, मतलब एक टिकट में। बाकी दिखाते आपको ये है पड़ाव। ये है जयपुर की खूबसूरती, यहाँ से जो दिखती है। और सिर्फ सूखा हुआ है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसे लगे हैं, बाकी हमारा कोई मतलब था नहीं, क्योंकि यहाँ ड्रिंक वगैरह के लिए ज़्यादा लोग आते हैं और काफ़ी ज़्यादा तो यार अपनी अपनी बंदियाँ लेके बैठे थे, तो इसके साथ मैं क्या करता। हम उठ के आ गए, बाहर जा रहे वापस, हो गया पड़ा होगा 3 बजे। के रात के अंधेरे में से निकलते हुए कोई भी नहीं है, नीचे का एरिया जो भी दिखेगा उतरते हुए, नीचे का एरिया दिखेगा सिर्फ उतरते हुए भी। ये आ गया गेट, खुला है बस, यही चाहिए था। ये तो जाते ही तो ये है उतरते टाइम का व्यू, जो हमारे घर की साइड जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से। A few moments later. से निकलने के बाद अब आ गए हम टी हाउस, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। जगह तो अच्छी लग रही है, गालियाँ के बगैर पीछे रही। तो बैठ चुके हैं, ऑर्डर भी दे दिया है टी हाउस में, आके जूस का ऑर्डर दिया है। ये भी अलग बात है, टी हाउस में आके जूस पी रहे, गर्मी में तो बहुत पड़ रही है, यहाँ भी ले आओ। तो 2 स्ट्रॉबेरी जूस लग चुके हैं, एक मेरा और एक मेरी बंदी का, जो सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, आप देख नहीं सकते। वाह वाह,
उतर जाओ। आ चुके अब बाहर, अब गाड़ी उठा के, कोई सीन सेट नहीं, आवाज कुछ नहीं, कोई ब्लॉग ढंग के नहीं निकला। और इधर चलो, ये रह गया लाइफ में, कुछ इंटरेस्टिंग पता नहीं कब आएगा। वैसे मैं जाने की सोच रहा हूँ फन किंगडम, नेक्स्ट ब्लॉग वहीं का होगा। तो थक हार के वापस आ चुके हमारे ठिकाने पर जहाँ हम डेली बैठते हैं, नेशनल हैंडलूम। अब यहीं से ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और हम भी घर जाते हैं, और सोहेल को भी, सोहेल भी गाड़ी लेके घर जाएगा। यहाँ भी झूले वूले फुल लगे हुए हैं, यहाँ का माहौल भी शांत हो गया क्योंकि 10 बज चुके हैं, रात की 10 बजे तक बंद हो जाता है। अभी थोड़ी देर और है, फिर उसके बाद बंद है। जिम भी क्लोज हो चुकी है, लो मसल द फिटनेस जोन। सुबह मिलते हैं।